हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि इशूज एटलस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह मैं और इशू के हैंडसम पापा लेके आ गए हैं इशू को जैन सलून। बहुत सारे लेडीज सलून में गई बट सारे लेडीज पार्लर वाली ने मना कर दिया कि हम इतने नटखट बच्चों का बाल नहीं काट सकते। आई एम सॉरी, मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया कि इशू कितनी नटखट है, बताओ। तो फिलहाल मैडम को लग रहा था कि पापा मम्मा इसे तो यहाँ पे घुमाने के लिए जस लाए हैं, बट इसे मालूम नहीं है कि आगे इसके साथ क्या क्या होने वाला है। सो आप लोगों को भी बने रहो चैनल पे, पता चलेगा कि आगे इसके साथ और क्या क्या होगा। अभी बहुत ही इन्जॉयमेंट लगेगा। एंड यहाँ पे अब तैयारी चल रही है बाल कटाने की। एंड ये देख लो, महारानी को पहना दिया गया है इनका हार, बट इन्होंने पहनने से इनकार कर दिया है। एंड लास्ट में जब अब और इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ घर, आप लोग बैठ के बाल कटाना कटाओ, मैं तो घर चली। देखो सीधे खड़ी हो गई। एंड जो इसकी मम्मा है ना, ये तो ऐसे ही ऐसे डिज़ाइन बता रही हैं जैसे कि इसके कितने बड़े बाल हो और एक से एक डिज़ाइन आ जाएंगे। भैया भी सोच रहे होंगे इतने छोटे से बाल इसको कट छोटा कर पाना ही मुश्किल है, और मैडम तो डिज़ाइन बता रही है, बताओ मैं कैसे काटूं। बट कैसे भी जब बात नहीं बनी तो इशू के पापा लेके बैठ गए हैं इशू को बाल कटाने के लिए, लेकिन आज तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। सो बाल काटने का प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। आगे आगे देखते चलिए कि क्या क्या होता है इशू के साथ। इधर बड़े बड़े डायलॉग दिए जा रहे थे टीवी में ताकि कुछ तो इशू को समझ आ जाए और इशू शांति से बैठ जाए। देखो इशू तो ऐसे कर रही है जैसे कि इसके बाल नहीं, इसके गर्दन कट रहे हैं। बताओ कोई इस तरह करता होगा कोई भी बच्चा? मुझे नहीं लगता। उन्हें अगर मोबाइल दिखा दिया जाए तो वो शांति से बैठ जाएंगे, लेकिन इसको यहाँ मोबाइल भी दिखा रहे हैं बट फिर भी इसे, ये भैया को बाल छूने भी नहीं दे रही थी, बट भैया ने फिर कैसे भी करके कुछ उपाय किया। एंड जब बात नहीं बनी तो इसके पापा ने इसे ज़बरदस्ती पकड़ा और कहा कि नहीं लो बाल काटो। सो चाहे ये कितना भी रोए लेकिन आज तो इसके बाल सारे छोटे करने ही हैं। इतनी मेहनत के बाद फाइनली इसके हेयर कट डन हो चुके हैं और ये बहुत हॉरिबल लग रही थी। मतलब बड़े बालों में ज़्यादा क्यूट लगती है बट क्या कर सकते हैं, गर्मी है, इसके लिए यही छोटे बाल ही बेहतर हैं। तो चलो गाइस, इशू भी इंजॉय कर रही है अपने छोटे बाल। एंड इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।